जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों यदि आप भी अग्निवीर SSR का फॉर्म भरने जा रहे हैं और आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है और उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या फिर कुछ गलतियां हो गई थी पिछली बार फॉर्म में आपके, इस बार आप बदलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसमें जो है हम आपको बताएंगे कैसे पूरा डेटा आप चेंज कर सकते हैं, पूरा प्रोफाइल आप अपडेट कर सकते हैं। देखिए, आप जब लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड मिलेगा। आप लेफ्ट साइड में देखें, यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट, यहाँ पे यूजर प्रोफाइल, करंट अपॉर्चुनिटी और एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पे इतने ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन जब आपको चेंज करना होगा, जब आप अप्लाई करना होगा तो आप ये ऑप्शन पे जाएंगे, लेकिन जब आपको कोई डाटा अपडेट करना होगा तो आप यूजर प्रोफाइल पे जाएंगे। आपको इसी पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम सब यहाँ पे दिख रहा है। और आप यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज करने का यहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं दे रहा है। यहाँ पे कोई ऑप्शन अभी नाम चेंज करने का नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से अपना क्वालिफिकेशन भी चेंज कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन कोई जोड़ना चाहते हैं तो वो भी जोड़ सकते हैं, और आप पहचान चिन्ह यदि आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पहचान चिन्ह आप दो डाल सकते हैं, एक कंपलसरी एक ऑप्शनल है। अगर दोनों डालना चाहें दोनों डालिए, नहीं एक डाल दीजिए। फिर आप यहाँ पे पैन कार्ड ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो ये भी कंपलसरी नहीं है, अगर डालना चाहें तो डालें, नहीं तो इसको भी छोड़ सकते हैं। तब मैं यहाँ पे मुझे पहचान चिन्ह चेंज करना है, अब मैं इसे चेंज कर देता हूँ, क्योंकि जो पहचान चिन्ह इस बार डाला जा रहा है वो आपके चेस्ट के ऊपर का होना चाहिए, शरीर के अंदर का पहचान चिन्ह नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली का आपको मैसेज मिल रहा है। आप यहां से देखिए, आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां से चेंज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन डिटेल भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप यहां से सोचते हैं मैं अपना क्वालिफिकेशन डिटेल यहां से चेंज करना चाहता हूं, तो आप एडिट पर क्लिक करेंगे, आपको यहां से ऑप्शन सारे खुल जाएंगे। जो यदि आप कोई नंबर में कोई कहीं गलती गए हैं तो वो नंबर आप यहां से डाल सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट का आप यहां से डाल सकते हैं, जो सब्जेक्ट आपके पास हो वो यहाँ पे, और पूरा ऑप्शन आपको खुल जाएगा। आप जो भी संशोधन करना चाहते हैं कर सकते हैं, यहाँ पे मार्कशीट, सीरियल नंबर, जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए, हाई स्कूल में आपको सीरियल नंबर डालना है, और यहाँ पे इंटर में आप सीरियल नंबर या फिर रोल नंबर कोई भी डाल सकते हैं। सीरियल नंबर आपके मार्कशीट में देखिए यहाँ पे लिखा रहता है, ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है, इस तरह से रहता है। अगर सर्टिफिकेट नंबर मांगता है, लेकिन नेवी में सर्टिफिकेट नंबर नहीं मांगता, तो आपको ये वाला सीरियल नंबर डाल देना है। अगर सीरियल नंबर नहीं आपके मार्कशीट में पड़ा है तो आप रोल नंबर डाल देंगे, ये बड़ा वाला है। तो उसके बाद जो भी आप यहाँ पे चेंज करना है चेंज करके यहाँ पे नीचे आप कैप्चर कोड फिल करके सेव पे क्लिक कर देंगे, आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। अब देख रहे होंगे यहाँ पे एजुकेशन प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, ये भी हमारा अपडेट हो गया है। अब आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे, आपका एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप अगर मोबाइल नंबर का अलग से एक डालना चाहते हैं और एक ईमेल आईडी अगर अलग से डालना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद आप फिर से यहाँ पे XD यहाँ पे जो कैप्चर कोड दिया है वो आप फिल करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे, आपको जो है ये भी अपडेट हो जाएगा। तो हमने सारा स्टेप आपको अपडेट करके दिखा दिया है। अब यदि आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे जो पासवर्ड पहले से है वो डालेंगे, न्यू पासवर्ड यहाँ से डाल के बिना आप ईमेल पे लिंक भेजे आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे यहाँ तक चेक प्रोसेस समझ में आ गया होगा कैसे हम प्रोफाइल अपडेट करेंगे। जब हम प्रोफाइल अपडेट कर लेंगे फिर माई डैशबोर्ड पर जाएंगे, यहाँ आपको करंट अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको अग्निवीर SSR का पूरा ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और इसके आगे का फॉर्म आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके आगे का वीडियो हमने बना दिया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए हम आपको प्लेलिस्ट दिखा देते हैं, यहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट है। जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए अग्निवीर इंडियन नेवी का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, फोटो कैसे बनाना है, डॉक्यूमेंट कैसे एडिट करना है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आराम से आप देख के पूरा फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए, चैनल पर नए भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।